नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज अडानी पावर के बारे में। अडानी पावर में लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि देखिएगा अडानी ग्रुप में पूरा पॉजिटिविटी का माहौल बना, और जैसे ही माहौल बना तो अडानी ग्रुप के जो भी स्टॉक बहुत पिट गए थे उनमें तेजी देखने को मिली। और तेजी इसलिए देखने को मिली क्योंकि देखिएगा सुपर ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, बहुत सारे सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट ऑलरेडी मिल चुके हैं। अभी फिर से देखिएगा अडानी जी नंबर दो की पोजीशन पे आ चुके हैं, मार्केट वैल्यूएशन में फिर से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और हालांकि अभी कई सारी बैड न्यूज़ भी आना बाकी हैं, बैड न्यूज़ इन द सेंस कि अभी जो क्लैरिफिकेशन सेबी की तरफ से आना है वो अभी तक नहीं आया है। वो भी अगर आ जाता है और पॉजिटिव आ जाता है तो वेल एंड गुड है, वहाँ पे कोई भी अगर मगर देखने को मिलती है तो फिर से स्टॉक्स में मूवमेंट आएगा। तो हमने आपको बताया था जब तक स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा है या लोअर सर्किट में चल रहा है आप कोई क्लियर कंफर्मेशन नहीं दे सकते। अब जैसे ही मैंने वो वीडियो बनाया उसके अगले ही दिन स्टॉक अपर सर्किट से छूट चुका है। और सबसे पहला इंपैक्ट देखिए कि जब नॉर्मल ट्रेडिंग होती है तब बिहेवियर पता चलता है कि मार्केट में बिहेवियर कितना है, पैनिक कितना है। तो जैसे ही देखिएगा स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया 113 का, तो आपने देखा तुरंत सेलिंग देखने को मिली, यानी कि ऊपर की तरफ सेलर बैठा हुआ है। ऊपर की तरफ जो लोग इतने दिनों से स्टॉक को होल्ड करके बैठे हुए हैं वो ऊपर की तरफ बैठे हैं सेल करने के लिए काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में। तो आगे की जर्नी इतनी भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाली है, इसीलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इस पूरे स्टॉक का, और लेवल भी जानेंगे कि कहाँ पर आपको अलर्ट रहना है और ऊपर की तरफ कहां पर बड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो एक एक करके सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि देखिएगा अभी स्टॉक में अडानी ग्रुप की तरफ से जब पॉजिटिविटी बनी रहेगी तभी मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अगर मोमेंटम देखिएगा ब्रेक होता है अच्छी न्यूज का तो स्टॉक्स में भी देखिएगा प्रेशर बनेगा, और अगर कंटिन्यू रहता है तो स्टॉक में भी कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। तो कुछ इवेंट भी आने वाले हैं अडानी पावर पे, वो भी जानेंगे। तो सबसे पहला इवेंट क्या होगा? सबसे पहला इवेंट है कि पिछले इनके क्वार्टर में 26% का सेल्स में इंक्रीमेंट देखने को मिला था। और अगर आप कंपैरेटिवली चेकआउट करेंगे, अगर आप चेक करेंगे तो पिछले के पिछले क्वार्टर से यानी क्वार्टर थर्ड से क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट थोड़े से बेटर थे। तो यहां पर क्या है, क्या नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट बेटर देखने को मिलेंगे? क्योंकि इस पर्टिकुलर आपको पता है क्वार्टर में पैंडेमिक का चैलेंज नहीं होगा, और पावर सेक्टर में पिछली बार बहुत सारे स्टॉक में इसीलिए गिरावट आई थी क्योंकि पैंडेमिक का चैलेंज उनके क्वार्टर के रिजल्ट में देखने को मिला था। तो सबसे बड़ा अपडेट जो बनेगा सितंबर एंड के आसपास वो बनेगा कि इनके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, या फिर किसी और इनके पीएल लाइक टाटा मोटर के या फिर किसी और पर्टिकुलर स्टॉक के रिजल्ट आ जाते हैं तो उसके बेसिस पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनके रिजल्ट कैसे आएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो पहला इवेंट, जितने भी लोग शेयर होल्डर हैं या फिर लॉन्ग टर्म व्यू है या फिर ऊपर के लेवल पे अभी भी फंसे हुए हैं जहां पे स्टॉक का प्राइस अभी तक नहीं पहुंच पाया है, तो उनके लिए ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि पिछले क्वार्टर में इनके काफी बढ़िया देखिएगा अच्छे देखने को मिले थे। अब बात करेंगे सबसे पहली पॉजिटिव न्यूज क्या है कि अभी वॉल्यूम बने हुए हैं, यानी कि पिछले क्वार्टर में जब स्टॉक अपर सर्किट से छूटा है तो यहां पर वॉल्यूम बने हुए हैं 1 करोड़ के आसपास। आफ्टर लॉन्ग टाइम ये डेटा देखने को मिला है, बहुत दिनों के बाद ये डेटा देखने को मिला है। तो वॉल्यूम बने रहना बहुत कंटिन्यू है, अगर इन लेवल पे वॉल्यूम बने रहते हैं और ये स्टॉक 100 रुपए का लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो नहीं तोड़ता है तभी आपको यहां पर देखिएगा कोई फिर से निगेटिव ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। 100 रुपए का लेवल बहुत बहुत ज्यादा कंटिन्यू रहना चाहिए क्योंकि 100 रुपए का लेवल अब बेस सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो स्टॉक अगर इसके नीचे नहीं जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर स्टॉक फिर से इसके नीचे जाता है तो फिर देखिएगा कई तरीके की आपको अगर मगर देखने को मिलेगा, कई तरीके का प्रेशर देखने को मिलेगा। तो पहला तो देखिएगा सबसे पहले आपको सपोर्ट पे फोकस करना है कि 100 रुपए का लेवल नहीं टूटना चाहिए, और ऊपर की तरफ कहां पे बिकवाली आ सकती है, ऊपर की तरफ देखिएगा सबसे पहले बिकवाली देखने को मिलेगी 111 के लेवल पे। 111 यानी कि जैसे ही ये स्टॉक क्या करेगा 110 के ऊपर की रेंज में आना शुरू करेगा और वहां पे सर्वाइव करने की कोशिश करेगा तो सर्वाइवल तभी कंटिन्यू होगा जब यहां पर वॉल्यूम हाई रहे और खरीदने वाले भी काफी अच्छे बने रहें।
अगर आप बात करेंगे टेक्निकल चार्ट्स पे तो एमएसीडी आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा है, यानी कि बुलिश सिग्नल दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि स्टॉक ने 5 दिनों में आपको 30% के आसपास के रिटर्न बना के दिए हैं, 30% के आसपास के रिटर्न, इसीलिए आपको ये चीज देखने को मिल रही है। तो आपको समझना क्या है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर एमएसईडी देखिएगा सेंटर लाइन से ऊपर ही रहता है, तभी आपको यहां से जो पर्टिकुलर मोमेंटम है वो कंटिन्यू देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर आप देखेंगे यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी कि जो मनी फ्लो इंडेक्स एक बिल्कुल फ्लो में ऊपर चल रहा था, स्ट्रांगली ओवरसोल्ड जोन में आ चुका था, वहां से मोमेंटम बना और देखिएगा स्टॉक में बहुत बढ़िया एक ट्रेंड बना, और उसके बाद ये क्या आ गया था, स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन में आ चुका था। तो वहां से अगर देखेंगे तो लाइन डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल वही 100 रुपीज का है कि यहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिले, या तो नॉर्मली स्टॉक क्या करे, एक बिहेव करे अप ट्रेंड की तरफ। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर आप देखेंगे काफी दिनों बाद आरएसआई में भी मूवमेंट आया था, और देखिएगा स्ट्रॉन्ग अभी भी स्टॉक क्या है, ओवरबॉट जोन में है। चूंकि आपको पता है कल ही अपर सर्किट से निकला है, तो अभी टेक्निकल के हिसाब से तो देखिएगा यहां पे कंसोलिडेशन देखने को मिलना चाहिए अगर स्टॉक को नेक्स्ट मूव दिखाना है। देखिएगा स्टॉक कैसे चलता है, कंसोलिडेशन फिर मूव, कंसोलिडेशन फिर मूव, इस तरीके से स्टॉक चलता है। तो कंसोलिडेशन में चला जाता है तो 100 रुपए का लेवल पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही स्टॉक ने हाई बनाया उसके बाद बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग आई है। फोकस कहां पे करना है आपको, रिजल्ट्स पे, क्योंकि देखिएगा नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे अच्छे रिजल्ट दे देते हैं ये, तो ये एक तरीके की पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा स्टॉक में, और शेयर होल्डर को एक नॉर्मली एक तरीके से क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। बट आपको दो चीजें नहीं भूलनी है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट सेबी की तरफ से जो अपडेट आना है, अगर वो अपडेट इनके पक्ष में नहीं आता है तो नो डाउट अडानी ग्रुप में ही आपको सीधा सीधा प्रेशर देखने को मिलेगा, यानी कि पूरी तरीके से प्रेशर देखने को मिलेगा अडानी ग्रुप में अगर यहां पर क्या नहीं आता है, सेबी की तरफ से जो कंफर्मेशन आना है, जो इनके आईपीओ आने वाला था उस पर रोक लगी हुई है। दूसरी चीज जो एमपीज ने कहा है कि पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए इनकी कंपनीज की, यानी कि जितनी भी कंपनी अडानी ग्रुप की उनका अच्छी तरीके से क्लियर एग्जामिन होना चाहिए, तो वो अपडेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपडेट कभी भी आ सकते हैं, तो उनके लिए भी आगे ऊपर के लेवल पे आपको अलर्ट रहना है, और टारगेट जो बताए हैं वो टारगेट पे फोकस करना है। इवेंट अगर आप देखेंगे तो 31 मार्च के रिजल्ट में देखिएगा और 30 जून के रिजल्ट में देखिएगा काफी बढ़िया चेंज है। अगर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया चेंज आपको देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए कहते हैं अगर कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला तो स्टॉक में एक रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही बढ़िया चीज आ सकती है, अदरवाइज अभी कोई पॉजिटिव न्यूज तो देखने को नहीं मिल रही है। और स्टॉक नॉर्मल ट्रेडिंग करता है तो 100 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस लेवल पे फोकस करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।